शिवानी कुमारी के सामने लक्ष्य अर्चित ने मांगी माफी, अब वो तो जनता देखेगी मेरी की माफ करना है नहीं करना, ये तो तुमने बेइज्जती करवाई है भाई। अच्छा कटारा की भी कौन सी इज्जत रख ली उसने, शिवानी हमारी कुछ नहीं रखती कि मेरे को तो आज भी उसकी कचर कचर कान में चुभती है। एलबी सदफ शिवानी कुमारी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे एंड एलबी सदफ अपने दोस्तों के ऊपर भी काफी ज्यादा भड़क गए थे, क्योंकि एलबी सदफ ने शिवानी कुमारी के ऊपर कुछ कमेंट किया था कि उसका आवाज काफी ज्यादा कानों में चुभता है, तो इस चीज को लेकर शिवानी कुमारी को काफी ज्यादा खराब लगा। तो इस चीज की वजह से लक्ष्य अर्चित यानी कि एलबी सदफ के दोस्तों ने माफी मांगा उनसे, तो चीज एलबी सदफ को अच्छा नहीं लगा कि एक तो एलबी सदफ के दोस्तों ने माफी मांगा, ऊपर से शिवानी कुमारी अपने वीडियो में ये बोल दिया कि उन लोगों ने तो माफी मांग लिया लेकिन माफ करना है या फिर नहीं करना है वो मेरी ऑडियंस पे मैं छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से बोलने की वजह से एलबी सदफ काफी ज्यादा भड़क गए एंड फिर शिवानी कुमारी को रिप्लाई करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप उनका ये वीडियो देखिए। शिवानी कुमारी ने लगाई अर्चित लक्ष्य एलविश यादव की क्लास, और अर्चित लक्ष्य की मैंने अभी देखा कि सॉरी वॉरी बोल रहे हैं, ऐसा सुना मैंने कि मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूंगा, ऐसा मैंने सुना। चलो कटारे तो बिग बॉस में उसके साथ भाई उसने घर शेयर करा, उसको तो सुहा जाती है उसकी आवाज ना, मेरे को नहीं सुहाती अभी भी, कचर कचर की आवाज ना मेरे को सुहाती नहीं अभी भी, इसलिए मैंने नहीं देखा। अभी पूछता हूँ, रुको ट्विटर पे क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हो कि शिवानी कुमारी के सामने लक्ष्य अर्चित ने मांगी माफी। भाई अब किसके घर जाऊंगा, कोई सामने से यूं कह रहा कि आपने मेरे को ऐसा बोल दिया, नहीं थोड़ी कहूंगा, हाँ ऐसा ही है। उसने बुलाया था तुमको, कटारे के पास था ना इनविटेशन, मैं तो तुम्हारी कह रहा हूँ, उसने तो अपने ब्लॉग में ये भी बोल रखा है कि अब वो तो जनता देखेगी मेरी की माफ करना है नहीं करना, अब कोई तुम्हारे घर पे आए तो, ये तो तुमने बेइज्जती करवाई है भाई। मैं तो समर्थक नहीं हूँ इस चीज में तुम्हारा, वो कह रही है अपने ब्लॉग में कि मेरी जनता देखेगी कि इनको माफ करना है नहीं करना, वो कौन होती है भाई माफी देने वाली और तुम कौन होते हो माफी मांगने वाले। अगर इन सब चीजों में लगे रहेंगे ना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़, इसके अलावा जिंदगी में और किसी चीज में लग जाएंगे तो आगे जरूर बढ़ जाएंगे। वेरी डिसअपॉइंटेड भाई, किसी के घर जाने क्यों है तुमने, अरे कटारे के साथ गए थे ना हम तो, अरे कटारे कटारे को बुलाया ना उसने। अच्छा कटारा की भी कौन सी इज्जत रख ली उसने, अरे अब ये सब व्लॉग में तो डालना मत, पहले ही हमारी हेट पांच छह दिन, अरे हेट वेट कुछ नहीं होती, सारी अपनी पब्लिक है, तुम लोग गलत चीजें कर रहे हो भाई। अब जैसे आपको कोई बुलाता है तो आप ये कहते हो ना लक्ष्य तो वहाँ चलना है, हम चले गए ठीक है, वहाँ हम लोग गए, अब नॉर्मली एक बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ले लो दिनेश भाई को ले लो, दिनेश भाई वहाँ बैठे, हम दिनेश भाई के घर पे बैठे चाय वाय पी रहे, दिनेश भाई ने कहा यार तुमने यार ऐसे बात बोली थी, मेरे को बुलाता कोई बात नहीं, सुनो सुनो सॉरी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन शिवानी कुमारी एंड दिनेश भाई, दिनेश भाई हमारे अपने, शिवानी हमारी कुछ नहीं लगती, कटारे की जरूर लगती होगी, तुम्हारी कुछ नहीं लगती। कोई मेरे को यूं कह रहा है कि भाई आपने मेरे को ऐसा बोला, अब मैं भाई बोला, हाँ भाई बोला, अब बोला पता क्या कर ले, बोला भाई मुझसे बोला ना हमने, तो मैंने भी तो बोला, मैं तो आज भी उन्हीं वर्ड्स पे हूँ कि मेरे को तो आज भी उसकी कचर कचर कान में चुभती है, तो अब यूं थोड़ा ना लड़ते रहेंगे भाई, उसने कटारे के लिए इतना, अरे मेरी बात नहीं समझे तुम, चलो ठीक है मैंने तुम्हारी बात मानी कि तुमने जाके उससे सॉरी मांगी जो कि अभी भी मेरे दिल में चुभ रही, कोई बात नहीं मांग ली कोई छोटा नहीं होता, बट उसने कौन सी उसके बाद भी तुम्हारी इज्जत रख दी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, उसके बाद के वो उसके कर्म है भाई, मेरा कर्म था उससे माफी मांगना, किसी घर में गया था, किसी घर बैठा था, मांग ली, वो ना कर रहे ठीक खत्म काम, मैंने तो अपने कराना सही से, तुझे भी पता ही नहीं करना था भाई, मैं ये चीजें सीख चुका हूँ, किसी घर जाके तो थोड़ी ना भाई, किसे लड़ूंगा यार भाई, चलो मैं आ रहा हूँ इंडिया के, बात करते हैं। गाइस आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट में जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे यूट्यूब कमेंट से रिलेटेड आपको न्यूज मिलता रहे।